हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इस चीज़ के बारे में जो आपको लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आ रही है, हम उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वाईफाई के थ्रू। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, तो इसके मतलब हम जानकारी देंगे आपको कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो मुझे अभी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं अभी आपके लिए बता रहा हूँ तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को देखते रहे, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो कुछ स्टेप्स है इसके लिए जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स बता देता हूँ, तो वीडियो को देखते रहे अंत तक। तो चले बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक थम्स अप देना। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे मैं आता हूँ होम बटन पे, तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोल पैनल पे। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर सेटिंग पर। जो आप कंट्रोल पैनल पर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर जो इंटरनेट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर दिख रहा होगा इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर से आपको दिख रहा होगा एडवांस्ड सेटिंग, तो इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा इसके नीचे रेस्टोर एडवांस सेटिंग। रेस्टोर एडवांस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। रेस्टोर एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये इसमें प्रॉब्लम है वो रेस्टोर हो जाएगी। और उसके बाद आपको नीचे इसके नीचे दिख रहा होगा रिसेट, रिसेट पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आ रहा है आपको कि जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो आपको ख़त्म हो जाएगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रिसेट करना होगा। तो रिसेट करने के बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो रिसेट दिखा रहा है तो तीनों ऑप्शन जो है वो क्लियर हो चुके हैं, मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम वो आधी सॉल्व हो चुकी है। तो इसको करते हैं क्लोज़ यहाँ से, तो हो गए क्लोज़। तो यहाँ पर आप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है फिर से अब मैं आपको बता दूँ क्या करना है दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इंटरनेट ऑप्शन जो है इस पे आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिक्योरिटी प्रिवेंसी कंटेंट कनेक्शन प्रोग्राम प्रोग्राम और एडवांस सेटिंग। ये सब करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग आती है इसको यहाँ पर जो आपने किया रेस्टोर एडवांस सेटिंग, तो ये आपने किया, इसके बाद ये इसको करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको आना है सीधा बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आप दूसरा स्टेप है, तो ये रहा पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है फिर से विंडो के बटन पे, स्टार्टअप के बटन पे। तो यहाँ पर आपको सर्च बार मिल रहा होगा, सर्च बार लिखना होगा आपको CMD, याद रखिए CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद आपको इस तरह का कुछ यहाँ पर सेटअप मिलेगा, तो इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करना है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर क्या करना है आपको वो मैं आपको बता दूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको दिया होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए या कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैंने दिया है एक कोड जो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। हालांकि वो पेस्ट नहीं हो जाएगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तो आप उसको कॉपी करके याद दिया कि जो ये कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NETSH स्पेस INT स्पेस IP। तो फ्रेंड्स, आपको ये पूरा कोड अच्छी तरीके से लिखना है, एक भी गलती हो गई तो ये फिर वर्क नहीं करने वाला है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अच्छी तरह से लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आगे स्पेस RESET रिसेट स्पेस C:: तो जो भी मैंने वहाँ पर लिखा है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको सब यहाँ पर अच्छी तरह से पेस्ट करना है, लिखना है, तो अगर एक भी गलती हो गई तो ये फिर वर्क नहीं करने वाला है, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको लिख देना। तो
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये वो कोड। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिसेट ग्लोबल ओके, रिसेट इंटरफेस ओके, अगर ये ओके ओके दिख रहा है तो ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो चुकी है। तो 90% मैं कहूँगा 90% सॉल्व हो चुकी है, रिसेट द कंप्यूटर टू कम्प्लीट दिस एक्शन। अब आपको क्या करना है, ये खुद ही वहाँ से बोल रहा है कि 90% तो हो चुका है, अब आपको 10% के लिए यही सिस्टम जो है इसको रिसेट करना पड़ेगा, मतलब कि रिस्टार्ट करना पड़ेगा, स्विच ऑफ ऑन करके फिर से चलाना होगा, ये तो अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं हम इसको क्लोज़ करते हैं, तो करते हैं इसको बंद लैपटॉप को। तो फिर आपको पता ही है कि स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो चुकी होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर, अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।